बच्चा कहने लगा पीछे को हट जाने ये इसके पास। बच्चा बोला वो बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं नारायण नारायण तुम्हें क्या काम? वो बच्चा कहने लगा बाबा जी एक बात बताएं। क्या? अरे पीछे पीछे लड़का डोले, पीछे पीछे लड़का डोले और कछु पढ़ोगे बचन वे बोले। बोले एक बच्चा कहने लगा ए ए ए इतना मैं बताता हूँ, बताना यार वहीं से बताना। बाबा की चोटी है या फिर एरियल? तुझको तो सब कुछ मालूम है रे। हाँ रंगीन टीवी का एरियल मालूम पड़ता है रे। हाँ मुझे भी मालूम पड़ता है। बाबा की चोटी है या फिर एरियल? अभी तरह बोला कौन से स्कूल में पढ़ा है? मैं बताता हूँ। दूसरा बोलो या को फूफड़ा है नारियल। और तीसरा कहने लगा अरे जख नारियल में एरियल लटकेरा होए चलो खिलाने नारियल। बात कहने लगा हाँ मेरा जाएगा बिना के अरे फूफड़ा है ना सब फूट जाएगा जानते हो। बच्चा कहने लगा बाबा है सनकी बाबा है मार देगा पीछे भर जा। जके नारियल में हाय जके नारियल ए जके नारियल में एरियल लटकेरा होए चलो खेतला में जके नारियल में हाय जके नारियल में एरियल लटकेरा होए चलो। एरियल एरियल लेगा? नहीं बाबा मैं तुम्हारी कसम बाबा मैं नहीं कहा बाबा तुम्हारी कसम। अब एक झूसा नाक में लग गया ना एरियल नारियल सब निकल जाएंगे अम्मा कक्का सब ध्यान में आ जाएंगे। बच्चा भाग एकदम कहने लगे भाग लो यहाँ से फूट लो। एकदम क्या हुआ है आगे बढ़ गए हैं देवसी नारद जी नारायण नारायण। आगे बढ़े दरवाजे पे जैसे ही आए राजा हिमांचल के दरबार में प्रवेश किया है घर पर खड़ा हुआ था महाराज के पास पहुंचा कहने लगा महाराज महाराज हाँ देवसी नारद जी आए हुए हैं। आज तो खुशी का दिन है, है? हमारी बेटिया ने जन्म लिया इतनी बड़ी हो गई फिर देवसी नारद भी आ गए जा बुला के लाओ। आदर के साथ अंदर बुला लिया गया और सिंहासन पर बिठा दिया गया नारायण नारायण नारायण। औरतों के बारे में आप जानते हैं? औरतों को दर्द होता है संतान का दर्द कैसा होता है? एकदम कहने लगी बाबा जी आप आ गए हो तो हमारी बेटिया की हंसरे का देख करके बताओ। बाबा जी देखो ना नारायण नारायण बुलाओ बिटिया को। पार्वती को बुला लिया गया और हाथ देख करके क्या कहने लगे के राजन ये कन्या सीलबती और कोमल स्वभाव वाली होगी और सुंदर सुशील और समझदार संपन्न गुणों वाली होगी। इतने सुंदर गुण हमारी बिटिया में हाँ लेकिन एक गुण और भी है नंगा यार बेचय मंगल हो पति मिले इसे चिमटा वाला। क्या? हाँ नंगा यार बेचय मंगल हो पति मिले इसे चिमटा वाला माँ बाप भजत का पता नहीं वैसा दू भेसा वाला। और क्या बोले ये हस्तरेखा बतलाती है फिर चिंता की कोई बात नहीं सुना? हाँ बताओ ना ये हस्तरेखा बतलाती है फिर चिंता की कोई बात नहीं होनी है तो हो देगी भाग्य पता नहीं होनी
देवसी नारद जी कहने लगे आप चलने दीजिएगा। बस नहीं नहीं, मेरी बिटिया का भाग्य ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने जो बता दिया वो सत्य है, है? तुम्हारी बिटिया को कोड़ी पति मिलेगा। कैसे? मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे देवसी नारद जी। ये आपने बताया है या हकीकत में ये रेखा कह रही है? लो, मैं रेखा बनाता फिरता हूँ क्या? ये रेखा बता रही है, भाग्य की रेखा कह रही है, ऐसा मंगल पति ऐसा मिलेगा। ये कल्पना की गई है मेरे भगवत प्रेमियों, ये कोड़ी कलंकी ऐसा पति क्यों भेष रख लेते भोले बाबा ऐसे? तो क्या हुआ? मैं ना कहने लगी, हम मुझे